देखिए, अब सवाल क्या है, नए वाद के विषय हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर ये मैंने आगम शास्त्र का सूत्र लिखा है, तो ये क्या कह रहा है, नंदी सूत्र आगम का विषय नाण क्रिया ही मोखो, दिस इज अर्धमाती लैंग्वेज एंड दिस वन इज द संस्कृत लैंग्वेज। तो ये जो है नाण क्रिया ही मोखो, ज्ञान और क्रिया दोनों साथ में मिलेंगे, दोनों का साथ में उपयोग करते हुए धर्म करेंगे तो ही मोक्ष मिलने वाला है। ज्ञान क्रिया व्याम मोक्ष, ये संस्कृत लैंग्वेज है तो जरा जल्दी समझ में आ जाएगी। अब इसमें क्या है, एक तत्व जो है ये ज्ञान है, ये साथ में लेना जनित जरूरी हो गया सब, और ये जो है आपके साथ में ये क्रिया, मतलब आचरण जो करना है, प्रैक्टिकल लाइफ में आचरण जो करना है। तो ये कौन सा नए है, ये कौन सा नए है, इन दोनों को जब आप समझेंगे तो ये हो गया निश्चय नए। ये निश्चय नए से व्यवहार करें और इसके साथ में आप जोड़िए, व्यवहार को भी साथ में जोड़िए। अब ये व्यवहार नए वाला है, तो इधर आपके पास में ज्ञान बरोबर होना चाहिए और इधर आपको व्यवहार बरोबर करना चाहिए सब। बस तकलीफ क्या हो गई, इसके ऊपर भी कई मत बन गए, कई पंथ बन गए, कई संप्रदाय बन गए। सोचिए साहब, इतनी सी बात को लेकर के, इतनी सी बात को लेकर चले जाओ तो एकांत रूप से ज्ञान को ही मोक्ष मार्ग बनाने बताने वाले बहुत हो गए। दूसरे नंबर के अंदर एकांत रूप से क्रिया को ही धर्म मान करके आचरण करके मोक्ष पाने की बात करने वाले बहुत हो गए। ये क्यों अलग अलग हो गए, क्यों ये एकांत जो है क्रिया मान रहा है, क्यों एकांत ये ज्ञान मात्र जैनों की बात नहीं है, हिंदू धर्म में भी हो गए साहब। ज्ञाना देव तो मुक्ति ही, हिंदू धर्म के अंदर भी वहां भी वैदिक संप्रदाय हो गए अलग अलग से, तो वो तो मात्र ज्ञान की ही बात कर रहे हैं, वो तो क्रिया की बात ही नहीं कर रहे। यहां कुछ वर्ग हो गया है अकेले क्रिया 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 की बात करो, वो ज्ञान की बात ही नहीं कर रहे सब। ये समस्या बढ़ती जा रही है। फिर एकांत पक्ष में चले गए, आपने निश्चय नए बिल्कुल अच्छा स्वीकारा लेकिन व्यवहार को छोड़ करके एकांत की बात कर रहे हो, इसलिए वो मिथ्या हो जाएगा, वो दोषारोपण वाला हो जाएगा। उदाहरण के लिए समझिए, आत्मा इस समय शरीर में है तो शरीर की क्रियाएं तो जरूरी हो गई, आहार निहार आदि की, तो बिना आहार आदि के औदारिक शरीर तो चलने वाला नहीं है। अब फिर भी हम ये व्यवहार करें, आत्मा तो नहीं खाती है, आत्मा थोड़ी खाती है, आत्मा तो नहीं खाती है, आत्मा कैसे खाए, ये सारी बात कर कर के और खाते पीते रहते हैं। निश्चय नए से आत्मा को मानते हुए भी व्यवहार अशुद्ध कर रहे हैं और भाषा भी अशुद्ध कर रहे हैं, वो मिथ्या तो बन जाता है, वो ऊपर से कर्मबंध कारक बन जाता है। ये तकलीफ क्यों नहीं समझ आ रही है। फिर इधर जो है व्यवहार नए वाला है, वो भी एकांतवादी बन जाए, वो आत्मा को आत्मा की बात नहीं करे, हाँ बिल्कुल खाना पीना आत्मा का ही काम है, वो भी यही बात करता जाए समझे। अरे भाई, आत्मा अंदर से सिद्ध स्वरूप भी कैसा है वो भी तो देखो ना। जब हम आत्मा के दोनों पर्यायों को समझेंगे, ये कौन सी एक पर्याय हो गई, सिद्ध पर्याय। अब आखिर ये भी जो है पर्याय है, और इधर तरफ से आप देखेंगे दूसरी जो है ये संसारी पर्याय है। अब आत्मा पहले संसार में थी तभी तो जाकर मोक्ष में गई और सिद्ध बनी, नहीं तो कहां से जाते, संसार में ही नहीं होती
तो मोक्ष में कहाँ से जाती? हर एक जीव जो मोक्ष में आता है वो तो संसार में से ही आ रहा है, तो कर्म तो उसके पास है, कर्म तो उसके साथ है, कर्म तो बहुत है ना, वो आखिर क्या करेंगे, कैसे करेंगे? ऐसे इन कर्मों के कारण जो है, अब उसको अपनी पर्याय, दोनों पर्याय देखनी है। निश्चय नए जो है ये खाली सिद्ध पर्याय को देख रहा है, व्यवहार नए जो है वो संसारी पर्याय से चल रहा है। संसारी पर्याय ले लिया मतलब शरीर आ गया, कर्म आ गए, सब कुछ आ गया। अब वो धर्म नहीं करेगा तो कैसे करेगा? अरे बात तो यहां तक आ गई, लोग क्या बोल रहे, महावीर स्वामी ने तो तब किया नहीं था, हो गया था। आपने भी शायद सुना तो होगा ना कहीं, अमन जी आपने सुना है ऐसी बात, सुनी है कभी किसी ने? संप्रदाय है, ऐसे मत वाले बोल रहे हैं। महावीर स्वामी ने एक बार 180 उपवास किए, एक बार 175 उपवास किए, कितनी बार उन्होंने मासक श्रमण किए, कितनी बार उन्होंने 15-15 दिन के उपवास किए, कब उन्होंने पारणा किए? नहीं 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 नहीं, वो किया 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 कुछ नहीं, हो गया। मतलब क्या, कैसे हो गया? तो वो आहार पानी ग्रहण करते थे कि नहीं? तो एक और संप्रदाय अलग हो गया। अरे बोलते नहीं नहीं, केवल ज्ञान होने के बाद आहार पानी करते ही नहीं है। अरे भाई साहब, केवल ज्ञान आत्मा को हुआ है कि शरीर को हुआ है? और केवल ज्ञान आत्मा को हुआ है तो अभी शरीर तो है ना, शरीर तो है, तो सिमंदर स्वामी कितने दिन नहीं खाएंगे? सिमंदर स्वामी जो है इस समय 1 महीना 2 महीना 6 महीना नहीं खाए, 1 लाख पूर्व तक अवतारिक शरीर कैसे चलाएंगे? वैक्रिय शरीर तो नहीं है ना, वैक्रिय शरीर तो देव देवताओं को, नरक के नारकी जीवों को होता है। कोई वैक्रिय शरीर वाले तो कोई तीर्थंकर कभी बन ही नहीं सकते, और तीर्थंकर बनते हैं तो अवतारिक शरीर में ही बनते हैं, ये तो बात निश्चित हो गई, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो केवल ज्ञान आत्मा को होता है, शरीर को नहीं होता है, तो आहार ग्रहण करे तो भी उनको कर्म कहां से बंधेंगे? मोहनीय कर्म जो संपूर्ण क्षय हो चुका है वो कोई वापिस बनेगा? ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय कर्म सर्वथा क्षायिक भाव से संपूर्ण क्षय होकर के केवल ज्ञान केवल दर्शन अनंत वीर्य गुण प्रकट हो गया तो क्या ये कर्म वापिस आएंगे? अरे भाई साहब, जब एक बार क्षायिक भाव से संपूर्ण क्षय होने पर बाद में वापिस कहां से बनेंगे? नहीं बनते हैं। ज्ञानात्मक व्यवहार वो निश्चय नए से कर लो, क्रियात्मक व्यवहार व्यवहार नए से कर लो, दोनों साथ में जोड़िए और दोनों को समान रूप से मोक्ष मार्ग का मार्ग बताइए। ये आगम शास्त्र कह रहा है, नंदी सूत्र आगम शास्त्र का ये वचन है। अब फिर भी लोग जो है निश्चय नहीं कि इतनी ऊंची ऊंची बातें करते हैं और फिर जो है एकांत में पकड़ के रख करके व्यवहार गलत करते हैं, तो इतनी उच्च कक्षा तक पहुंचने के बाद भी, निश्चय नहीं का स्वरूप स्वीकारने के बाद भी मिथ्यात्व में जा रहे हैं। अरे अरे अरे, ये कितनी बड़ी गलती हो रही है, कितना बड़ा अनर्थ हो रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। दोनों का बैलेंस बनाइए, ज्ञान का क्रिया का, निश्चय नय का व्यवहार नय का, द्रव्य का गुण का पर्याय का। अब द्रव्य पर्याय में है ना इस समय, तो ही खा रही है। सिद्ध पर्याय में जब द्रव्य आत्मा चली जाएगी तो वहां कहां आहार विहार होगा? जब शरीर नहीं है तो आहार क्यों करेगी, और यहां शरीर है तो आहार क्यों नहीं करेगी? यहां औदारिक शरीर है ना, तो आहार क्यों नहीं करेगी, पहले करेगी, और वहां जब औदारिक शरीर नहीं है तो आहार नहीं करेगी, बात पूरी हो गई। पर्याय जो है ना, पर्याय ये व्यवहार नय के साथ ज्यादा जुड़ती है, मूल द्रव्य निश्चय नय के साथ ज्यादा व्यवहार में आता है। मूल द्रव्य की बात करो तो आप निश्चय नय से बात करो, कोई ना नहीं।
लेकिन दोनों में से साथ में आप नहीं छोड़, साथ में नहीं रखोगे तो फिर मिथ्यात्व में जाने की बात है। इतने हाई स्टेज तक पहुंचने के बाद भी निश्चय नहीं वाला आत्मा 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 की रट लगा रहा है, हर बात में हर बात बात में आत्मा आत्मा कर रहा है, और फिर भी क्रिया गलत कर रहा है, फिर भी व्यवहार गलत कर रहा है। मैंने जो चार भेद लिखे था ना एलसी जैन साहब, जो चार भेद भंग लिख करके मैंने जो बताया कि नित्य को अनित्य, अनित्य को नित्य, ऐसा चारों तरफ से नेका निश्चय माने और व्यवहार न माने, व्यवहार माने और निश्चय न माने, दोनों ही न माने और दोनों को माने, इसलिए मैंने आपको बताया था कि उपाध्याय यशोई जी महाराज ये कह रहे हैं कि निश्चय दृष्टि हृदय धरी जी पाले जे व्यवहार पुण्य वंतते पामसे जी भव समुद्र नो पार। द्रव्यानु योग का रास लिखा है महामहोपाध्याय यशोई जी महाराज ने, और वो भी 350 बरस पहले का है, और उसके अंदर ये उन्होंने बराबर श्लोक लिख करके स्पष्ट किया है कि गलती मत करिए, एकांत निश्चय मत मानिए, अकेला व्यवहार भी मत मानिए, दोनों साथ में जोड़िए। अब ये ज्ञान क्रिया भ्याम मोक्ष दिया है तो दोनों का बैलेंस कैसे बनाना है, बैलेंस बनाने के लिए बहुत अनिवार्यता आ गई है कि हम बैलेंस कैसे बनाए। साहब यहाँ पर आनंदी सूत्र आगम में जो एक एग्जाम्पल दिया है कि एक अंधा है और एक लंगड़ा है, दोनों पैर से पंगु है, ये दोनों मित्र बने, दोनों की मित्रता बहुत अच्छी थी। अब ये जंगल के अंदर वहां बैठे और चारों तरफ आग लग गई, आग फैल गई, तो जिसके पैर नहीं चल पा रहे वो पंगु है, उसने मित्र को कहा भैया जल्दी करो आग लगी है, देख 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 जल्दी, अभी भी चांस है हमारे पास, हम दोनों जो है बच करके निकल जाते हैं। बोले कैसे? देखो भाई मैं तो साफ कहता हूँ मेरे तो पैर नहीं है सर, आपके तो पास तो जो है आंख नहीं है, तो एक काम करो ना, आपके सिर पर कंधे पर मुझे बैठा दो, मैं रास्ता दिखाता चलो और आप चलते चलो, जल्दी बच जाएंगे, मैं बता दूंगा, देखो ये देखो ये देखो, इधर से ये छोटी सी सकरी सी गंडी जा रही है, इसमें से निकल जाएंगे तो आग में से बच जाएंगे। अब वो बोलता है कि मैं तेरे बाप से छोटा हूं क्या, तू कोई मेरा बाप है कि तेरे को मैं सिर पर बैठा हूं, चल चल, बिल्कुल नहीं ये बात नहीं होगी, मैं नहीं बैठा। अरे वो बोलता है भैया तू इधर बाप की बात मत कर, दोनों को आग से बचना है, तेरे को भी बचना है मेरे को भी बचना है, हम दो एक नहीं होंगे तो दोनों मरेंगे, तू भी जल जाएगा आँख में, मैं भी जल जाऊंगा आग में, तू भी कैसे बचेगा, दिखाई नहीं देता है तेरे को, तू कहाँ जाएगा किधर, चारों तरफ आग फैल रही है, तू आग में गिरेगा, मैं तो पैर ही नहीं है तो मैं तो चल ही नहीं पा रहा हूं, मैं देखते हुए भी नहीं बचूंगा। अरे भैया मैं हाथ जोड़ता हूँ दोनों मिल जाए हम इस समय, और बिल्कुल जो है कंधे पर बैठा दूं, अब मैं भले कंधे पर न बैठूं लेकिन मेरे पैर नहीं है तो मैं कैसे चलूंगा, तुम मेरे कंधे ऊपर बैठेंगे तो मैं तो अभी बैठाने को तैयार हूँ लेकिन चलूंगा कैसे। अरे भैया थोड़ा सोच लेना, प्रैक्टिकल सोच ले। नहीं 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 मैं नहीं सोता। वो बोलता है मैं तो एकांत निश्चय, वो बोलता है मैं एकांत व्यवहार नहीं मानी, नहीं नहीं आत्मा आत्मा कुछ नहीं खाती नहीं पीती, आत्मा कहाँ जलती है, आत्मा नहीं जलती है, आत्मा दाह नहीं होता है, जलन नहीं होता है, आत्मा मरती नहीं, आत्मा जलती नहीं। अरे भैया इस समय हम इस आग के बीच में बैठे हैं, ये देख आग नज़दीक आग रही आ रही है, अब ज़्यादा अंतर नहीं बचा है, जल्दी कर, तू अकेला निश्चय नहीं पकड़ के बैठेगा, आत्मा नहीं जलती, आत्मा नहीं जलती, और अभी आत्मा है इस शरीर में है, फिर क्या होगा, आत्मा शरीर छोड़कर के मोक्ष में गई हो तब तो तू बोल की बात बरोबर है, अभी हम आत्मा ही है इस शरीर में, जलेगा शरीर जलेगा, वेदना किसको होगी, पीड़ा कौन किसको होगी, दुख का अनुभव कौन करेगा, फिर चिल्लाएगा इतना, क्योंकि मृत्यु का डर तो सबको ही लगता है। ऐसा बहुत समझाया, अब वो एक बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है,
और आखिर आग आ ही गई पास में, अब जलने लगा। अब वो जलते समय चिल्लाने लगा। तब मित्र ने कहा, भैया आत्मा नहीं जलती है। अरे आत्मा कभी जलती नहीं है, ये बोलना अभी, अभी यही बोलता रहे पहले तू। नहीं नहीं अभी कैसे बोलूं, मैं तो जल तो रहा हूं। कौन जल रहा है? अरे आत्मा नहीं जलती है, छोड़ना ये बातें सब। अरे तो कौन जल रहा है? अरे देख मेरे हाथ जल रहे, मेरे पैर जल रहे। हाँ तो ये बोलना, हाथ पैर जल रहे, शरीर जल रहा है, आत्मा थोड़ी जल रही है। अब इस समय मैं क्या करूं? अब वो छटपटाने लगा, इधर भागे तो आ गए, इधर भागे तो आ गए, पीछे भागे तो आ गए, आगे भागे तो आ गए। अब वो दूसरा मित्र आंख होते हुए देखते हुए बोल रहा है, मैं पैर नहीं है, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मैं भी जल रहा हूँ भैया, मैं भी जल रहा हूँ। वो बोलता है, मैं भी जल रहा हूँ। अरे बोल ना, अब तो बोल, आत्मा नहीं जलती है, आत्मा नहीं मरती है, आत्मा नहीं जलती है, बोल चिल्लाना। अरे अभी तो जल तो रहा हूँ, फिर और क्या, मैं तो अनुभव कर रहा हूँ जलने का। मैंने एलसी जैन साहब ये स्टोरी नहीं बताई आपको, पहले इसका भेद समझना हो। आप स्टोरी पर मत जाइए, आप पहले ये समझिए, एकांत निश्चय नए भी कैसे मिथ्यात्व में हमको जकड़ लेता है। एकांत व्यवहार नए भी हमको जकड़ लेगा। अब वो ज्ञान वाला जो है वो क्रिया करने को तैयार नहीं, क्रिया वाला ज्ञान तैयार नहीं है। अब दोनों में से दोनों की हालत क्या होगी, क्या होगी साथ? तो दोनों अपनाइए ना साथ में। आत्मा का ज्ञान है, बहुत अच्छी बात है। अब प्रैक्टिकल व्यवहार के अंदर आत्मज्ञान का उपयोग करते हुए ही धर्म आचरणा करनी है। तो उपवास क्या बात है, उपवास है क्या? उपवास कौन सा धर्म है, कौन कर रहा है उपवास, कौन कर रहा है? कानन बहन बोलिए, शरीर कर रहा है कि आत्मा कर रही है? शरीर द्वारा आत्मा करती है, आत्मा कर रही है, आत्मा। तो फिर एकासना कौन करती है, वियासना कौन करती है, आई एम विल कौन करती है? आत्मा ही करती है। आत्मा ही करती है। क्यों? फिर एकासने वियासने में तो खाना है ना, आहार करना है, खाना है। फिर आप कैसे बोलेंगे, आत्मा खाती है क्या, आत्मा खाती है क्या? फिर आप वहां ना कह दोगे। ये जब शरीर भी जलता है ना, तो शरीर के एक एक प्रदेश में आत्मा का प्रदेश है। शरीर जो है, शरीर क्या है, पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। एक एक सिर के बाल की, एक एक जो है उसकी रूट्स के अंदर आत्म प्रदेश वहां पर है। सिर की एक बाल के अंदर, जड़ के अंदर आत्म प्रदेश है वहां पर। ये अनुभूति आपको करनी है। जैसा पकड़िए, एक बाल पकड़ के खींचिए, करिए ना कोशिश, करिए ना एक बाल पकड़ के। कानन बहन आप मत करना, नहीं तो दूसरी तकलीफ हो जाए। महिलाओं को तो बाल का बहुत बड़ा ऐसा मोह होता है कि एक बाल भी नहीं टूट जाए। अब यूं रोज भले गिर जाए, रोज हेयर फेल होते हैं और हेयर फॉल होते हैं, रोज रोते हैं, लेकिन पकड़ करके खींचने में आपको वेदना हो रही है। वो वेदना किसको हो रही है? बाल को नहीं हो रही है, शरीर को नहीं हो रही है, बाल की जड़ में जो आत्म प्रदेश है उसको हो रही है। ये है आत्मानुभूति। आत्मा है, इसकी अनुभूति करना है। तो महावीर ने क्या किया, इसी को प्रैक्टिकल व्यवहार नय का आचरण बनाया, आचार धर्म बनाया, और साधु साधियों को कह दिया कि जस्ट प्लग योर हेयर्स बाय योर ओन हैंड सेल। आप अपने ही हाथों से सिर के बालों को खींच करके केश लुंचन करो। ये किस लिए दिया है? ये केश लुंचन आत्मानुभूति करने के लिए है। स्वानुभूति, आत्मानुभूति करने के लिए केश लुंचन है। अब भले केश लुंचन करते एक घंटा लगे कि दो घंटा लगे, आधा घंटा लगे कि डेढ़ घंटा लगे, उतनी देर तक प्रति क्षण एक एक बाल जब खींचते जाएंगे, खींचते जाएंगे, तब आत्मानुभूति, संवेदना, वेदना जो होगी वही, अब वेदन संवेदन हो रहा है। वेदना को संवेदना में बदलनी है, और वेदना को अनुभव में नहीं लाते हुए आंख में आंसू की एक बूंद नहीं लानी है,
अर्थ ध्यान रति भर नहीं करना है और इतनी चिंतन की धारा में ध्यान करे कि उस एक घंटे के केश लुंचन में 1000 जन्म के कर्मों की निद्रा। एक घंटा केश लुंचन अगर चलता है और वो बरोबर जो है 1000 जन्मों के कर्मों की निद्रा उस एक घंटे में कर दे। अब ये तो देखिए भाई साहब, ये केवली का काम है। केवलियों ने इस तरह से केवल ज्ञान से देखकर, केवल दर्शन से देखकर, केवल ज्ञान से जान करके केश लुंचन को आचार धर्म बनाया। और ये धर्म आज जो है महावीर के 2500 बरस के बाद भी अखंड धारा में चल रहा है। आज भी साधु साध्वी को आप देख रहे हो केश लुंचन अपने हाथों से करते हैं, भले एक दूसरे का कर ले इसमें भी बड़ी बात नहीं, लेकिन सामने वाले वो ध्यान में स्थिर बैठ करके आत्मानुभूति करते हैं। आत्म ध्यान है, केश का ध्यान नहीं है, लुंचन का ध्यान नहीं है, आत्म ध्यान है, उसमें आत्मा की अनुभूति कर रहा है। शरीर का ध्यान करेगा तो वो अर्थ ध्यान हो जाएगा, फिर नए कर्म बांधेगा सब। आत्मा का ध्यान करेगा तो कर्म क्षय होगा, निद्रा। ये कितनी बड़ी बात कर दी है। अब दुनिया के अंदर कभी आपने, मैं किरण भाई कैंक सांभळ्यु छे, पूरी दुनिया के किसी धर्म में कहीं पर भी केश लुंचन की व्यवस्था ही नहीं है। हिंदू धर्म में भी सन्यासी वगैरह तो है ही है ना, बौद्ध धर्म के अंदर भी सन्यासी वगैरह है, वो हजाम को बुला करके उससे जो है वो मुंडन कराएंगे। लेकिन महावीर ने कहा है कि आपको केश से मतलब नहीं है, आपको तो 1000 जन्मों की निद्रा एक घंटे में हो जाए आप करिए, आपको केश लुंचन करना है हाथों से। ये धर्म दे दिया, ये आचार दे दिया। तो व्यवहार धर्म के अंदर आप व्यवहार नहीं के अंदर आचरण करना है ना आपको, ये आचरण है। अब ये आचार धर्म है, हमारा उद्देश्य कर्म क्षय निद्रा का है। निद्रा होने से मतलब है मैं उपवास करके भी निद्रा करूं तो भी उपवास धर्म हो गया, मैं एकाशना करके निद्रा करूं, मैं व्यासना करके निद्रा करूं, मैं आंबिल करके निद्रा करूं, मैं केश लुंचन करके निद्रा करूं, मैं स्वाध्याय करके करूं, मैं निद्रा करके करूं, मैं वैयावच करके करूं, मैं प्रायश्चित करके करूं, आपके पास बहुत रास्ते हैं निद्रा करने के, अनेक रास्ते हैं, आप करिए। रिजल्ट आने से मतलब है, कर्म क्षय होने से मतलब है, आपने ये किया कि वो किया। तो यहां पर जितना आचरण आप करेंगे ना, वो आपका व्यवहार नए साथ देगा सब। व्यवहार में प्रैक्टिकल आचरण है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, उपवास करना है ना, कब करना है, कैसे करना है। फिर ये रोजा जैसे हमको थोड़ी करना है, वो दिन भर कुछ नहीं करे और सूर्य अस्त तो होते ही दुनिया भर का खाने लग जाए, फिर भले ही मांस खाए कि अंडा खाए कुछ भी खाए, तो वो ऐसा उपवास वो तो और 10 गुना कर्म बनता थे। चतुर्थी और एकादशी का उपवास करने वाले भी बस अनाज नहीं खाना है, बाकी का बहुत कुछ खाना है, वो इस तरह से खाएंगे तो वो उपवास कहलाएगा। उद्देश्य आपका पूर्ति होगी, निद्रा होगी कि नहीं होगी, पहले ये देखो ना। कर्म क्षय जो होना है, आखिर मोक्ष क्यों बताए, शब्द क्यों लिखा है यहाँ पर, मोक्षो क्यों कहा है, तो ये निद्रा कारक माध्यम है। ख्याल है, तो ज्ञान भी मोक्ष का कारण है, क्रिया भी मोक्ष का कारण है, दोनों को मिलाओगे तो जा करके मोक्ष होगा। अकेले ज्ञान 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 करते रहोगे तो भी मोक्ष नहीं होगा, अकेली क्रिया 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 करते रहोगे तो भी मोक्ष नहीं होगा, ये दोनों जुड़ने जरूरी है साथ में। ये बात हमको पहले समझनी है। तो इसके लिए एक निश्चय नए अगर हम लेते हैं, हाँ जी, आत्मा का ज्ञान होना जरूरी है। आत्मा है ही ज्ञानमय द्रव्य है, और हमको अभी तक आत्मा का ही ज्ञान नहीं है। मैं खुद ही आत्मा हूं और मुझे आत्मज्ञान ही नहीं है, ये क्या बात हो गई। जो खुद आत्मा होते हुए उसको आत्मज्ञान नहीं है तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा सब, ऐसा तो नहीं होना चाहिए।
ऐसा तो करना ही नहीं, होना ही नहीं चाहिए। फिर ज्ञान है तो ज्ञान के अनुरूप क्रिया तो करिए ना। आप हर महिला को पूछिए जब रसोई करते हैं तो आपके ज्ञान का उपयोग होता है कि नहीं होता है। आप दाल में नमक की जगह शक्कर डाल दो और चाय में शक्कर की जगह नमक डाल दो, अरे क्यों भाई साहब, मति ज्ञान तो उपयोग में आ रहा है ना। आप ज्ञान से ही तो बना रहे हो, क्रिया तो प्रैक्टिकल करनी ही पड़ेगी। वो व्यवहार हो गया, आपको टोप लेना है, पानी लेना है, गैस लेना है, आग लेना है, चम्मच लेना है, डालना है, हिलाना है, ये सब करना ही पड़ेगा। लेकिन साथ में अपने ज्ञान का उपयोग पूरा करना पड़ेगा। बिना ज्ञान के उपयोग के रसोई नहीं बन सकती है। और सामायिक लेकर बैठना पड़ेगा, सामायिक लेकर के बैठ करके आपको उसके अंदर निश्चय नहीं है उसका भी उपयोग करना है आपको। आपने उपवास का पचखान लिया और सो गए, सो के दिन बिता दिया तो कैसे निद्रा होगी? आपकी काया ने उपवास किया और आपने आत्मा को इन्वॉल्व ही नहीं किया उसमें साथ में। अरे है क्या उपवास, मतलब क्या एक दिन में आहार छोड़ करके अंदर जो है आत्मा की अनुभूति करूं, उसके लिए है। अगर आपने एक मिनट भी स्वाध्याय भी नहीं किया, ध्यान भी नहीं किया, आत्मा का विचार भी नहीं किया, 24 घंटे का उपवास कर लिया आपने, निर्जरा के परसेंटेज कैसे बंधे बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे? तो जो निर्जरा के परसेंटेज बढ़ाने आपको, उसके लिए आपके पास जरूरी हो गया ऐसा। आप उपवास कर रहे हो, ज्ञान को जोड़ना पड़ेगा अंदर, ज्ञान जोड़ना उतना ही जरूरी है। आचरण कर रहे हो, ज्ञान जोड़िए, ज्ञान जोड़ रहे हो, अब क्रिया भी साथ में जोड़िए। धर्म क्रिया प्रधान है, धर्म आचार प्रधान है, आचरण अवश्य करना पड़ेगा। इसीलिए तो जो है पंचाचार धर्म बताया है। आत्मा के ही तो मूल गुण है, ज्ञान दर्शन चारित्र तप वीर्य उपयोग है कौन से? आत्मा का ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, चारित्र गुण है, तप गुण है, वीर्य। आत्मा तप कर रही है, शरीर से कर रहे हैं, शरीर को साथ में जोड़कर कर रहे हैं। उपवास भी है तो आत्मा कर रही है शरीर के माध्यम से, एकासना भी आसना हमिल भी कर रहे हैं तो भी आत्मा ही कर रही है शरीर के माध्यम से के अंदर शरीर बीच में लगाना जरूरी है। खा भी रहे हैं तो आत्मा खा रही है शरीर के निमित्त से। अब सब कुछ आपको उसके साथ जोड़ना है समझे कि नहीं, तब जाकर के तालमेल बैठेगा, दोनों का बीच में तालमेल बैठे और वो जो निजरा होगी तब जाकर मोक्ष होगा। ये दोनों क्या करेंगे? ये दोनों जो है ज्ञान क्रिया व्यायाम बंद भी होगा, कर्म भी बनेगा। ज्ञान को भी विपरीत कर दो मिथ्या ज्ञान, क्रिया को भी गलत आचरण में ले लो, अब वो नया कर्म बन जाएगा। ये तो हमने तो मोक्ष की बात की है, कौन सा चाहिए साहब? मोक्ष की बात के लिए आपका ज्ञान भी कौन सा चाहिए, आपका क्रिया भी कौन सी चाहिए, दोनों जोड़िए साथ में। इसलिए हम कह रहे हैं ना, मंदिर में गए, दर्शन किया, पूजा की, भक्ति की, क्या किया आपने? परमात्मा के साथ अपने परमात्मा के गुणों के साथ आत्म गुणों को जोड़ा कि नहीं जोड़ा? आप 10-20 मिनट मंदिर में रहे तो 10-20 मिनट में से 2 मिनट के लिए आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़िए। आत्मा का अब भगवान के जो गुण गा रहे हैं वही गुण हमारी आत्मा के हैं, जोड़िए उसके साथ। आपने 20 मिनट में दर्शन किया या 40 मिनट में पूजा की या 48 मिनट की सामायिक, सवाल क्रिया का नहीं है, सवाल आपकी क्रिया के अंदर दोनों साथ में जुड़े कि नहीं जुड़े उस पर आधार है। तो दर्शन भी निद्रा करा देंगे, पूजा भी निद्रा करा देंगे, सामायिक भी निद्रा करा देगी, सामायिक संवर भी कराएंगे, निद्रा भी कराएगी। धर्म का ही प्रकार है, ये नहीं है कि दर्शन करने वाला धर्म ही नहीं करता है उसको कर्म बंधेगा, पूजा करने वाले को खाली कर्म बंधेगा उसको कुछ भी फायदा, ये बातें नहीं करनी है। ये क्या हुए, ये राग द्वेष के अंदर
सांप्रदायिक पकड़ बन गई है, तो लोग संप्रदाय संप्रदाय के नाम से पकड़ेंगे साथ। नहीं 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 दर्शन करने से पाप लगता है, नहीं पूजा करने से पाप लगता है। अरे भाई, पूजा भी निद्रा कारक है, दर्शन भी निद्रा कारक है। दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम मोक्ष साधनम। फिर सामायिक लेकर कोई दिन ले लेगा तो क्या करेंगे? संवर लेकर के कोई दुनिया भर की पंचायत करेगा तब क्या करेंगे? नहीं साहब, सामायिक धर्म शुद्ध है, हमारी करने की क्रिया शुद्ध नहीं थी। हम सामायिक लेकर बैठे लेकिन राग द्वेष करते दुनिया भर के विचारों में घूमते रहे तो सामायिक में भी कर्म बंद हो गया। ये जब आप दोनों साथ में जोड़ते जाएंगे, अब हमारे लिए जो है कर्म क्षय का निद्रा का साधन। ये निश्चय नहीं है, ये व्यवहार नहीं है। व्यवहार नहीं के अंदर आचरण की क्रिया को जोड़िए, निश्चय नहीं के अंदर ज्ञान तत्व को जरूर जोड़िए। निश्चय नहीं के साथ में मूल द्रव्य का व्यवहार करिए। मूल द्रव्य से जो जिस अपेक्षा से आपको बात कहनी है तब मूल द्रव्य से निश्चयात्मक बात करिए। आचार प्रदान में क्रियात्मक व्यवहार नए से बात करनी है तब बरोबर आप करिए, समझेंगे दोनों बात बरोबर चलनी चाहिए, कहीं तकलीफ ना आए। इतना सामंजस्य बैठा करके महावीर ने इस धर्म की व्यवस्था की है, इतनी सुंदर व्यवस्था, इतना सामंजस्य बैठा करके कि भाई सबकी कर्म निद्रा तो होनी चाहिए, उद्देश्य तो वही रखा है। नवकार में भी वही सब पाप प्रणाशन हो, सब पाप कर्मों का नाश हो, लक्ष्य तो वही है, तो फिर क्यों नहीं होता है? एक नवकार भी तो सब पाप प्रणाशन करा रही है ना, बरोबर होगा नहीं? कैसे होगा? अवश्य हो। ये जो विषय है तो अब आप नयों में से चलिए, क्योंकि देखियो हमेशा नयों की आदत बन रखी है। क्यों आपको नयवाद का ज्ञान दिया है? नयवाद का ज्ञान आपके बोलने के लिए ज्यादा है कि दूसरे बोल रहे हैं वो समझने के लिए ज्यादा है? कि हम नयवाद की भाषा न बोले, स्यादवाद की भाषा बोलने का प्रयत्न करें, सब एंगल से सापेक्ष भाव जोड़ करके। लेकिन हमारे सामने रोज लोग नयवाद की भाषा बोलते हैं, वो समझने की भी हमारी कैपेसिटी होनी चाहिए। उसमें भी राग द्वेष होते हैं ना, तो वो पहले आप प्रयत्न करिए। जो भी आएगा, कोई भी आएगा, वो जिस प्रकार के वाक्य रचना करेगा, सेंटेंस का उपयोग करना, तो मेरे में इतनी समझ होनी चाहिए कि इसका वाक्य नैगम ने कहा है कि संग्रह ने कहा है कि व्यवहार ने कहा है कि निजू सूत्र का है एवं बुद्ध ने, ये किसने की बात कर रहा है, किसने से ये बात कर रहा है, ये पूछना है। ख्याल आया आपको? एक भाई साहब सामायिक में बैठे थे और वो सामायिक कर रहे थे, उनको पूछा गया, भाई साहब बाहर से आने वाले ने पूछा। अब वो तो अपनी तरह से ऐसे ही बैठे, तो जो उनके साथ वाले हैं रोज के घर में खुले थे, उनको पूछा क्या कर रहे हैं ये? ना ना महाराज, शू करे छे, ये आखा गाम नी चिंता करे छे, बीजो ना घर नी चिंता करे छे, नो प्रश्न ये छे अत्यारे। तो उसने सुन लिया, कान में पड़ गई आवाज। अब उसके समय पूरी होने के बाद उसको पूछा गया, क्यों भाई साहब आप सामायिक कर रहे थे, क्या कर? तो एवं भूत नए से उत्तर क्या देना? एवं भूत नए कह रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की दृष्टि से, वो जब समभाव में आचरण कर रहा है तभी सामायिक में। अब वो खाली चरवला मुपत्ति लेकर बैठके पर बैठा है तब वो सामायिक क्या? नहीं तो व्यवहार नए वाला तैयार बैठा है। लेकिन उसके बाद में युगानुयुग किसी ज्ञानी को पूछना है तब क्या करेंगे? तो ज्ञानी को गीतार्थ महात्मा योगानुयोग पधारे तो उनको पूछा कि महाराज साहब ये सामायिक करे। देखो भाई साहब, बैठे काया से जरूर सामायिक में बैठे हैं, लेकिन अंतर मन में इनका द्वंद चल रहा है। ख्याल है कि नहीं? इनका अभी जो है ये दुकान से आए हैं तो वहाँ उनके पार्टनर के साथ झगड़ा बहुत बड़ा हो गया है, तो वो उनके दिमाग में इतना घूम रहा है। बोले आप कैसे पता चला आपको? बोले इनका चेहरा हाव भाव वगैरह देख करके और ये सरकमटेंसेस सारे समझ करके मुझे लग रहा है आप इनको पूछिए।
तो उस भाई साहब ने सीधा उत्तर दिया, हाँ साहब 48 मिनट में बैठा जरूर क्या, लेकिन मेरा मन तो उधर ही घूम रहा था, मुझे तो एक मिनट का भी कुछ भी याद नहीं है कि मैं सामायिक में बैठा हूँ। तो सामायिक में बैठे हुए होते हुए भी वो निर्जरा नहीं कर्म का बंद कर रहा था, तो सामायिक कैसे कहने उसके सामायिक को। लेकिन अब व्यवहार नए से क्या कहेंगे साहब, दो जने बाहर से जो भी जिस किसी का फोन आएगा पूछेंगे वो शांति भाई कहाँ है कि सर, तो सभी यही बोलेंगे घर वाले सामायिक में बैठे, सब बोलेंगे घर में सामायिक में बैठे। तो ठीक है भाई, मैं अब 48 मिनट के बाद जो है ना, जब उनकी सामायिक पूरी हो जाएगी तब फोन करूंगा। अब 48 मिनट हो गई, सामने वाले ने फोन किया, भाई साहब क्या कर रहे थे, बोले मैं तो सामायिक कर रहा। अब वो व्यवहार किसका करेगा, व्यवहार तो सामायिक का ही करेगा ना। अब ज्ञानी जानते हैं कि सामायिक में बैठे हुए होते हुए भी मन के विचारों की तरंगे किस में घूम रही थी, तो बेचारा ऊपर से कर्म बांट रहा। ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन हो रहा है। तो जब आप एवं भूत नए से बोलोगे तब क्या, ऋजु सूत्र नए से बोलेगे। अब शब्द नए तो आया, भाई साहब सामायिक में बैठे, सामायिक के वेश धारण किया, धोती और खेस धारण किया हुआ है, कटाचने पर बैठे हैं, चरम लामोपत्ती हाथ में, तो सामायिक का व्यवहार करना पड़ेगा। यही कहेंगे सब, सामायिक में बैठे सामायिक में बैठे, अब क्या करना समझेगी। ऐसी परिस्थितियां होती है।